तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का रियल लाइफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 में, यानी कि मांगा चैप्टर नंबर 113। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा हिशिरो और युआके पहली बार मिलते हैं और युआके हिशिरो को ऑफर करता है रियल लाइफ का एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनने के लिए, और वहीं चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसके आगे की स्टोरी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे, और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। रहा नहीं जाता। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रियल लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है, और इस रियल लाइफ इंस्टीट्यूट में काम करने वाला ये बंदा, इसका नाम है अमागासे केंटो। ये युआके से कहता है, ऐसा लगता है किसी ने एक सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है बिना किसी प्रॉब्लम के। तुम अजीब सा फेस बना रहे हो युआके। युआके बोलता है, ओह ये तो बस। केंटो फिर बोलता है, ऐसा पहली बार है तुम किसी के इंचार्ज हो, और तुम्हें बहुत ही एक्सेप्शनल पोजीशन मिली है एक ऑपोजिट सेक्स के इंचार्ज होने की। केंटो आगे बोलता है, ओ कहीं तुम उसे अपनी फ्यूचर वाइफ तो नहीं बना लोगे। युआके बोलता है, मजाक मत करो। केंटो फिर बोलता है, तुम्हें पता है लोग सोचते हैं ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। युआके दूसरी तरफ देख के रह जाता है। अब आगे रियल लाइफ का कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है, जहां सभी लोग एक मीटिंग में हैं, और युआके कुछ बोल रहा है, और युआके क्या बोल रहा है, लेकिन सब्जेक्ट एक लड़की है। युआके का सीनियर बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। युआके बोलता है, नॉर्मली सब्जेक्ट और सुपरवाइजर दोनों सेम सेक्स के होने चाहिए, जब से हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं और जब से हमने उन्हें ज्वाइन किया है। युआके का सीनियर बोलता है, सिंपली बिकॉज ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ऐसा कोई रूल है कि सुपरवाइजर और सब्जेक्ट का सेम सेक्स होना जरूरी है। युआके बोलता है, लेकिन सुपरवाइजर फिर बोलता है, युआके हर रीजन ने रिपोर्ट गैदर करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन केंटो रीजन कम से कम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के काबिल तो हुई। इसके अलावा हमारे पास जो डाटा का एक्सेस है वो भी आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। इसीलिए सब्जेक्ट नंबर 001 ऑफ द केंटो रीजन एक ह्यूज सक्सेस होनी चाहिए अगर हमें अपना सर उठा के चलना है तो। क्या तुम इससे सहमत नहीं हो। और इसीलिए इस बार हमने बड़ी ही केयरफुली अपना डिसीजन लिया है। सब्जेक्ट की नॉलेज और काम करने की एबिलिटी, एक बार वो अपनी इंटरपर्सनल स्किल डेवलप कर ले, उसके लिए बड़ी कंपनी में एक जॉब ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। हम उसे एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पे भेजेंगे, और हाँ ये ध्यान रहे वहाँ बहुत सारे लोग होने चाहिए ताकि वो किसी न किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके। हम उसे एक ऐसी क्लास में डालेंगे जिसमें एक ऐसा बच्चा है जिसे बहुत परेशान किया जाता है। सब्जेक्ट को बस इतना करना है कि उसे उसकी मदद करनी है और उसके साथ दोस्ती करनी है, और दोनों साथ में ग्रो कर सके और बहुत कुछ। हमें लगता है उसके लिए लास्ट स्टेप तुम्हारे साथ लव एक्सपीरियंस का होना चाहिए। युआके की आंखें खुल जाती हैं और वो बोलता है, क्या। उसका सीनियर फिर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो बहुत ही खूबसूरत है ना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। युआके बोलता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम उसके रिलेटिव हो, और उसकी पिक्चर मुझे दिखाने के लिए लाए हो एक मैरिज इंटरव्यू में। एक दूसरा रियल लाइफ एजेंट बोलता है, मुझे लगता है तुम शायद सिंगल हो, है ना। युआके बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। युआके का सीनियर हिशिरो की फाइल देखकर फिर बोलता है, इस लड़की को अपनी फीलिंग्स वापस रीगेन करनी होगी जो कि इसके पास्ट में डैमेज हो चुकी हैं, और इसीलिए हमारी पार्टनर कंपनी इसे जॉब देगी जो कि ये ढूंढ रही है, और इसीलिए हम इस करंट सिनेरियो को लेकर आए हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस रियल लाइफ को ह्यूज सक्सेस बनाने के लिए, तुम्हें नहीं लगता। युआके बोलता है, लेकिन। फिर दूसरा रियल लाइफ एजेंट बोलता है, हाँ जरूर, पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान तुम्हें अपने दिमाग में ये रखना होगा, तुम्हें किसी को भी ये पता नहीं चलने देना है कि इसके पीछे का हमारा अल्टीरियर मोटिव्स क्या है। हमें तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस है। हमारी रीजन का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसकी इन्फॉर्मेशन और आउटकम हम गैदर करने वाले हैं। आगे सीन में हमें दिखता है कि ये सभी बातें युआके सोच रहा था जब उसके साथ ये पहली बार हुआ था। केंटो युआके से बोलता है, जब मैं पिल बना रहा था तो मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़े, वो बहुत ही खूबसूरत है ना। युआके बोलता है, हाँ वो है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस कुछ ज्यादा ही प्रेशर में हूँ। अब केंटो युआके को छेड़ने लगता है,
उसका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, क्या कहते हो, जगह बदलना चाहोगे? युआके बोलता है, अमागा से सेन, क्या तुम डॉक्यूमेंट्स में देखते समय यही सोचते रहते हो? और अगले सीन में हम देखते हैं क्लास 2-3। तो इस तरह हिशरो सेन की री लाइफ स्टार्ट हुई थी और इस तरह सब कुछ खराब होता गया। वो बहुत ही अलग थी और हमेशा वैसी ही रही। दिन बीतते गए लेकिन वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। युआके ने री लाइफ में उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की। फिर युआके को केंटो रीजन के री लाइफ लेबोरेटरी में बुलाया गया। उसके सीनियर्स बोलते हैं, भला ये कैसी रिपोर्ट है, उसमें तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। तुम्हें नहीं लगता ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे युआके सपोर्ट कर रहा था? युआके ये बातें सोच के परेशान रहने लगा। उसने सोचा क्यों ना एक बार हिशरो सेन से बात ही कर ली जाए। फिर वो एक दिन हिशरो सेन से बात करने जाता है। हिशरो सेन स्कूल से वापस घर जा रही है। युआके पीछे से बोलता है, हिशरो सेन देखो मैंने ये तुम्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन इस साल के जो भी रिजल्ट है वो बहुत ही मायने रखते हैं। आखिर में हम तुम्हारी जॉब ढूंढ पाए या नहीं तो तुम्हें अपनी री लाइफ प्रॉपरली करनी होगी। कैसा रहेगा अगर तुम अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल जाओ और उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या होता है। हिशरो हमेशा की तरह उसी रिएक्शन के साथ। और ये बातें सुनने के बाद हिशरो सेन बदलने की कोशिश करती है और कुछ करने की कोशिश करती है। उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि उसकी क्लास में ही कोई एक बच्चा है जिसे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। और फिर वो डिसाइड करती है इस मैटर को वो अपने हाथों में लेगी, प्रोबेबली किसी टेस्ट की तरह। इस तरह के सीन को देखकर तुम ऑटोमेटिकली उस किड को बचाने के लिए जाओगे, लेकिन किसी बिजनेस के तरीके से नहीं। और हम सभी जानते हैं कि हिशरो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसे एक जॉब चाहिए। हिशरो उन सभी लड़कियों से बोलती है जो उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। हिशरो आगे बोलती है, हे क्या तुम इस लड़की को परेशान करना बंद करोगे? तुम्हें ऐसा करते देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर तुम ये करना छोड़ दोगी मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए। युआके छिपके ये सब देख रहा था और उसका ये तरीका उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसको क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा काफी समय तक कंटिन्यू रहा, वो भी उसके अजीब से बिहेवियर के साथ। और एक दिन वो लड़की खुद ही आगे से उसे बोल देती है। वो लड़की बोलती है, बस बहुत हुआ, जब से तुमने उन्हें रोकने की कोशिश करी है वो मुझे और भी ज्यादा परेशान करने लगे हैं। ये सब पहले कितना अच्छा था, तुम बस यहाँ ट्रांसफर हुई हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, ये अननेसेसरी चीजें करना बंद करो। युआके ये सब छुप के सुन रहा था। युआके का फेस देखकर ऐसा लगता है कि वो सोच रहा है कि उस लड़की की जगह कोई और होता तो वो भी यही कहता। और हिशरो सेन ये सब सुनने के बाद पहले से भी ज्यादा डिप्रेस्ड मोड में चली जाती है और वो हर एक कनेक्शन को तोड़ देती है जो उसके सराउंडिंग में होता भी है। अब युआके वापस अपने सीनियर्स को रिपोर्ट सबमिट करता है और उसके सीनियर्स उससे कहते हैं, युआके ने उसे बहुत ज्यादा एडवाइस दे दी और इसी वजह से ऐसा हुआ। हमने तुम्हें बहुत जरूरी बातें पहले ही बता दी हैं। सब्जेक्ट्स को ऐसा बनाओ ताकि वो सारी बातें खुद सोच सके। आखिर सपोर्ट डिवीजन किसी सब्जेक्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए सब्जेक्ट के साथ? ये सारी बातें सुन के युआके का फेस देख के ऐसा लगता है कि वो और भी ज्यादा डिप्रेस होता जा रहा है। और इसके आगे चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और आज का एपिसोड यहीं तक था। और इसी के साथ अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एपिसोड पे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे तो इसको कंटिन्यू रखे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।